ये है लंबे खां चतुर्वेदी। इनका नाम ही सिर्फ लंबे खां है, बाकी आप इनको देख ही चुके हैं। इनको भूलने की बीमारी है और इनका काम लोगों को कर्जा देना है। अब देखते हैं इनसे किस किस ने कर्जा लिया है। हलवाई, तूने टिल्लू कमीने को देखा कहीं? अबे तुझे क्या, मैं हलवाई देख रहा, मैं वो बाल काटने वाला, निकल जा मेरी आंखों के सामने से वरना तुझे भी गंजा कर दूंगा। कूल डाउन ब्रो, कूल डाउन। ओ चाय वाले, तूने टिल्लू कमीने को देखा कहीं? अबे चाय वाला, डिग्री की बेइज्जती कर रहा, काट के और छोटा कर दूंगा, निकल जा। वो सब्जी वाले भैया, तुम टिल्लू कलटो को देखा कहीं? ये बर्तन की दुकान तुझे सब्जी की दुकान लग रही है, निकल जा यहाँ से, थाली में रख के भेज दूंगा तुझे। Oh, no. थाली में रख के भेज देगा, पी जाऊं कि बर्गर हूं? मुझे रख के बेचेगा, अंदर कर दूंगा। उल्टी मच्छी वाली, तूने टिल्लू को मीने को कहीं देखा है? मैं यहाँ मच्छी बेच रही हूँ, ये चाय की दुकान है, निकल जा यहाँ से। पढ़ तो ऐसे रहा जैसे अंग्रेज की औलाद हो। वो चूती है अंग्रेज की औलाद, कहीं टिल्लू कमीने को देखा तूने? अबे किस ससुर की मौत आई है जो टिल्लू को उसके मुंह पे चूतिया कह रहा? देखूं तो जरा किसकी मौत आई है। ये है हमारे टिल्लू मियां जी, एक नंबर के नल्ले हैं। उठाई गिरी मुर्गी चोरी करना इनका काम है, लेकिन ये बहुत चतुर और चलाक हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना इनको अच्छी तरह से आता है। हा? लंबे खो भाई आप। अबे रुक, नहीं तो बड़ी मुंह दूंगा, बैठ जा। मेरे पैसे कब देगा मेरे को बता दे। भाई कितने पैसे हो रहे हैं आपके? रुक जा, बता रही हूँ। ये है 250 रुपए तो मूल के, 32 रुपए सूत के, कितने हो गए जोड़ ले। लंबे खां भाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने और घासी ने इतना बड़ा टेम्पू मुर्गियों से लदा हुआ वो लूट लिया था। हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए थे और हमने सोच लिया था कि तुम्हारे पैसे सूद के और मूल के दोनों चुका देंगे। और जैसे ही मैं तुम्हारी तरफ को आ रहा था पैसे चुकाने, तभी अब्बू का फोन आ गया और मुझे पता चला कि अब्बू की किडनी में इतने मोटे मोटे, मेरे तो हाथ भी छोटे पड़ रहे, इतने बड़े बड़े पत्थर घुस गए। उन दोनों किडनियों को आरी से चिरवाया, तब जाके पत्थर निकले और सारे पैसे उंगे लग गए। लंबे खा भाई, आपकी बीवी की कसम मैं झूठ ना बोल दिया, नहीं तो अभी तक मैं रंडवा हो जाता। अबे रंडवा तो बीवी के मरने के बाद होते हैं, तू साथ अनाथ कहना चाह रहा? लंबे खा भाई, मैं तो बोल रहा था, मुझे तो कुछ समझ ना आ रही है मैं क्या कह रहा। ये बताओ मेरे पैसे कब देगा? लंबे खा भाई, टिल्लू कसम खा के कह रिया। किसकी? आपकी कितनी बीवी हो रही? 1, 2, 3, 4। बस फिर चारों की कसम खा के कह रिया, चारों से रणुआ करके छोड़ेगा अपनी की खा ले। ठीक है लंबे खा भाई, मैं अपने होने वाले ससुर की बीवी की कसम खा के कह रिया हूँ, मैं आपको 13वें महीने की 32 तारीख को रात को 13 बजे इंगे ही पैसे दूंगा, और वो भी मूल और सूद के समय। ठीक है ना इब? इब तो विश्वास कर लो। ना दिए ना। oh, no. इतना ही पेट में माल है, सब बाहर निकाल लूंगा चक्कू डाल के। ऐसे कैसे काल लेगा, मैं उसे पहली ना खाली कर दूंगा। लग रिया प्रेशर बन रिया, टिल्लू इकल्ले 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 खेल हो जाएगा यही। मस्त बहारो का मैं आशिक, मैं चाहे जो यार करूं, चाहे खुले में सुसु करूं। अब खुल जा, खुलता क्यों नहीं,
चाहे फूफो से प्यार करूं, सारी नदी है मेरे लिए। याहू बे आजा बे, आती क्यों नहीं आजा, नहीं तो लंबे खाप पूरा का पूरा पेट खाली कर देगा। आगे भाई भाई, इतना मजा तो रजे से मिलने में ना आवे जितना मजा खुले में करने में आवे। नजारा भाई, ये खुशबू सी कहां से आ रही? अरे वो भी मूली के पराठों की। आय हाय, यो तो मेरी खुशबू हो रही। यो रजे भी ना रोज रोज मूली के पराठे खिला दे। वह टिल्लू, कल से मूली के पराठे बंद। अरे मेरी खुशबू मुझे सूंघनी पड़ा। चलो भाई टाइम हो गया। अबे भाई इसे पिया जा या साफ किया जा। कौन सा कोई देख रहा? अरे मेरा ही तो हो रहा, देखी जाएगी। भाई वो क्या चीज है? अबे यो तो घड़ी हो रही। चलो बढ़िया, टेम देखने काम आवेगी। पूरी शूट कर रही टिल्लू पे। अब कौन है भाई? कोई भी तो ना है। पीछे देख। पीछे? कहाँ? अब इनसे मिलिए, ये हैं स्मार्टी भूत। बुढ़ापा इनकी दहलीज पर दस्तक दे चुका है, लेकिन नकली बाल लगाकर ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अब इनके साथ क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कौन है तू और अचानक कहां से निकल आया? अबे तबे के निचले हिस्से, पहले ये बता तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अबे तू मुझे काला कह रिया? Oh, no. वो तो जरा मैं अमावस्या की रात में पैदा हो गया था, तब जाके ऐसा कलर है मेरा, वरना मेरे पूरे खानदान में सब गोरे हैं, सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ। और मेरी फूफो देखी तूने? अंडा हो रही है, अंडा वो भी छिला हुआ। शवरा मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहा? क्यों, तूने अपनी बुआ का निकाह पढ़वाना है मुझसे? बुलाया क्यों है ये बता। अबे मैं तुझे यहाँ क्यों बुलाऊंगा? तू क्या मेरी खाला का लौंडा हो रिया? और रही बात मेरी फुप्पो की, वो तो आज तक मुझसे सेट ना हुई। 4 साल हो लिए फुप्पो की निकाह को, 11-11 खेल ले अभी तक। और निकाह रहा मेरी फुप्पो का पूरे मोहल्ले में, साल में 2 करा है। जा चला जैसा हो रही के, क्यों मजाक कर रिया? मजाक करने के लिए तू मेरी बीवी का भाई है क्या? पर भाई तू मुझे क्यों परेशान कर रहा यार? जा चला जैसा हो रही के, मुझे अपने काम पे जान दे। देख कोका कोला के ढक्कन, मेरी बात सुन। मैं तेरे चक्कर में भूत लोग में अपनी एक प्यारी प्यारी सी नमी नमी सी गर्लफ्रेंड को छोड़कर आया हूँ। कली मरी है साली, स्वाग के जोड़े में ही ऊपर पहुँच गई, एकदम पटाखा यार। मेरी एक चीज है तेरे पास, दे दे चला जाऊंगा। चीज? हाँ मेरे पास क्या है तेरी चीज? बताऊंगा ना, पर दे दे। है जहाज तू, मैं जिम बतावेगा नहीं कि मेरे पास क्या है तेरी चीज, तो मुझे कैसे पता लगेगा तेरी चीज क्या है मेरे पास? यार देख, मैं तुझ जैसे आदमियों की परेशानी समझता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे मेरे भाई परेशान मत कर। मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड भूत लोक में मेरा इंतजार कर रही है, मुझे मेरी चीज दे दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। यार तू तो बड़ी डरावनी बातें कर रही है।
पर तू है कौन? अभी भी नहीं समझा, मैं भूत हूँ। भूत? तू सच में भूत है? अबे तू टिल्लू को चाह रहा, तू दुनिया को चाह रहा है? तुझे क्या लग रही है? मैंने भूत नहीं देखे, मैंने फिल्मों में देखे। भूतों के इतने बड़े बड़े नाखून हो गए, इतने बड़े बड़े बाल हो गए, टंगी हो गए। तू मुझे चाह रहा, तू दुनिया को चाह रहा, मैं इतना मानता तुझे भूत। मैं मॉडर्न जमाने का भूत हूँ ढक्कन। मॉडर्न जमाने का? मॉडर्न जमाने की भूत हूँ मैं? मुझे तो आज ही पता लग रही है। अच्छा तो तू भूत हो रहा? कोई सके तुझे? भूत भैया जरा इनको को बैठिए इधर। मेरा बुक है, मैं भूतों की आंख से बड़ी फटा। क्या करेगा ये? पत्थर को पत्थर के घिसने से आग निकला। तू भूत है ना भाई? हाँ। इंगे ही बैठा रहिए, हिलिए ना। हाँ बैठा हूँ भाई। इंगे रुक। अबे ये तू क्या कर रहा है? अबे मत कर, अबे पागल है क्या? अबे नहीं नहीं नहीं। सौरिका टिल्लू को बेवकूफ समझ लिया था।